हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल प्रोवाइड यू वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ विहाइव प्रोज फॉर क्लास 9. सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डिड टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जिसमें आंसर आता है टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, कि टॉमी वर्णन करता हुआ कहता है कि पुराने प्रकार का जो स्कूल होता था उसकी एक विशेष इमारत होती थी एंड नॉट सेट अप इन अ हाउस, वह घर पे स्थापित नहीं होता था। ऑल द किड्स वेंट देयर फॉर स्टडिंग, सभी बच्चे जो हैं वहाँ अध्ययन के लिए जाते थे। ऑल द किड्स ऑफ द सेम एज लर्नड द सेम थिंग, एक ही आयु के बच्चे एक ही प्रकार की चीज सीखते थे। द टीचर वॉज अ रियल मैन, और अध्यापक जो होता था वास्तविक व्यक्ति होता था, हकीकत वाला व्यक्ति होता था। एंड नॉट अ मैकेनिकल टीचर, और वह यांत्रिक टीचर नहीं होता था। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आता है वो है, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया था। तो मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडी, मार्गी जो है अपने अध्ययन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। प्रोबेबली समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हर, और शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। मैकेनिकल टीचर, यानी कि उसकी यांत्रिक टीचर के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ थी। एंड सो मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू करेक्ट द मैकेनिकल टीचर, इसलिए मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए ही मार्गी की माँ ने उसे यानी कि यांत्रिक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था। अब हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड एवलिन एन इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप प्यूपल, हैंडीकैप प्यूपल यानी कि विकलांग लोगों के लिए एवलिन कैसे प्रेरणादायक थी। एवलिन अचीवमेंट गेंड थ्रू डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, हार्डवर्क यानी मेहनत द्वारा, कठिन परिश्रम द्वारा और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा अर्जित किया गया एवलिन की कामयाबी। सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर हैंडीकैप, अदर यानी कि अन्य विकलांग लोगों के प्रति एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दे गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम हर एग्जाम्पल, उसके उदाहरण से वह कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास अर्जित करते हैं। एंड बिलीव और विश्वास करते हैं कि दे टू कैन अचीव देयर गोल्स इन लाइफ बाय ओवरकमिंग देयर हैंडीकैप्स विद फर्म डिटर्मिनेशन, और वे विश्वास करते हैं कि वे भी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा अपने हैंडीकैप विकलांगता पर विजय पा करके अपने जीवन में गोल्स को यानी कि अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट एवलिन फेस ऑन हर फर्स्ट डे एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहले दिन एवलिन को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो एवलिन वाज अ स्मॉल एंड थिन गर्ल ऑफ 17, एवलिन जो है 17 वर्ष की एक पतली दुबली पतली लड़की थी, छोटी लड़की थी। सी वाज नर्वस येट एक्साइटेड, वह घबराई हुई तो थी लेकिन उत्तेजित भी थी, यानी कि बहुत ही उत्तेजित थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका पहला दिन था। सी वाज अ टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, वह एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की एक युवती थी, किशोरी थी। बट सी फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन अदर्स बिकॉज सी वाज टोटली डीप
लेकिन उसके पास और बड़ी चुनौतियां थी क्योंकि वह पूरी तरह से क्या थी, गूंगी थी। अगले क्वेश्चन की ओर अपन लोग देखेंगे। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खां गेट हिज बिग ब्रेक। आंसर है इसका कि बिस्मिल्ला खां गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्ला खां ने एक बहुत बड़ा अवसर 1938 में पाया। ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपन इन लखनऊ। लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई। ही गॉट अ चांस टू प्ले सहनाई ऑन रेडियो और उसे रेडियो पर सहनाई बजाने का अवसर प्राप्त हुआ। हिज मेलोडियस म्यूजिक कुड बी फ्रिक्वेंटली हियर्ड ऑन द रेडियो और उसका रेडियो पर सुना जाने वाला मेलोडियस म्यूजिक यानी कि सुरीला संगीत अक्सर सुना जाने वाला हो गया। एंड दिस ब्रॉट हिम न्यू अपॉर्चुनिटी और इसने उसे एक और नया अवसर प्रदान किया। हाउ डिड इंडिया ऑनर एंड रिवार्ड द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां महान संगीतकार को भारत ने कैसे सम्मानित किया। तो इंडिया ऑनर्ड बिस्मिल्ला खां बाई कन्फरिंग ऑन हिम द ग्रेटेस्ट नेशनल अवार्ड द पद्मश्री द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण। भारत सरकार ने बिस्मिल्ला खां को पद्मश्री पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण दे करके उन्हें सम्मानित किया। ही वाज आल्सो अवार्डेड द भारत रत्न इन 2001 में। भारत रत्न देकर भी उन्होंने सम्मानित किया जो कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया जो भारत का सबसे उच्च अवार्ड माना जाता है। हाउ डिड फादर पनिश केजिया व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ दिस पनिशमेंट। केजिया के फादर ने उसे कैसे दंडित किया और इसका उसे क्या प्रभाव पड़ा। फादर पनिश्ड केजिया बाई हिटिंग हार्ड ऑन हर लिटिल पिंक पॉम विथ अ रूलर। डंडे से पिताजी ने उसके छोटे छोटे से और पील गुलाबी रंग की गद्दी पर तेजी से प्रहार किया, तेज प्रहार किया यानी उसे पीटा। द इम्पैक्ट ऑफ दिस पनिशमेंट, इस दंड का परिणाम या प्रभाव वाज सो स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा हुआ कि केजिया कुड नेवर फॉरगेट इट, कभी इसे भूल नहीं पाई। एंड नेक्स्ट टाइम, और जब भी व्हेन ही सा हिम, जब भी उसे वह देखती, सी एट वंस वह तुरंत हिट हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक, वह अपने हाथों को पीछे कर लेती। एंड हर चीक्स फ्लूस्ड विथ फियर, और उसका चेहरा जो होता है डर से लाल हो जाता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। तो आंसर आपका है केजिया वाज अ लिटिल सेंसिटिव गर्ल। केजिया जो है एक छोटी सी नन्ही सी भावनात्मक लड़की थी। हर फादर स्पोक हेर्स, उसके पिता उससे बहुत ही कर्कश या बड़े ही कठोर शब्दों में बात करते थे रूखे स्वभाव से। ही ऑलवेज स्कॉल्डेड हर, वह हमेशा उसे डांटा करते थे। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हर फीलिंग, वह उसकी भावनाओं को नहीं समझते थे। ही नेवर प्लेड विथ हर, वह उसके साथ खेला भी नहीं करते थे। दिस मेड हर अफ्रेड ऑफ हर फादर, इसलिए यही ये चीजें हैं जिसने कि उसे अपने पिता के प्रति डर पैदा कर दिया या डर पैदा कर दिया। What did Einstein call his desk drawer at patent office? Why? Einstein patent office में अपने desk drawer को क्या पुकारता था या कहता था और क्यों कहता था? Einstein called the desk drawer in the patent office Bureau of Theoretical Physics. Einstein जो है अपने पेटेंट ऑफिस में अपनी दराज को यानी डेस्क ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी कि सैद्धांतिक फिजिक्स भौतिकी ब्यूरो कहा करता था।
ही कॉल्ड सो बिकॉज, वह ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर्स इन्वेंशन, क्योंकि वह अन्य लोगों के आविष्कारों का आकलन करने के लिए माना जाता था कि वह अन्य लोगों के आविष्कारों का आकलन करेगा। लेकिन ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया एंड इन्वेंशन सीक्रेटली, वर्की वह अपने विचारों को, अपने आविष्कारों को चुपचाप रूप से विकसित भी कर रहा था। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी पर बैन क्यों लगा दिया? छोटा सा है और इम्पोर्टेंट भी है। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया था क्योंकि यह बड़ी तीखी और अप्रिय आवाज निकालता था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, प्लेइंग ऑफ पुंगी इन रॉयल फैमिली, राजसी परिवार में पुंगी का बजाना वाज नॉट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल भी क्या नहीं है। Why does the world remember Einstein as a world citizen? विश्व नागरिक के रूप में आइंस्टीन को क्यों याद करते हैं? After seeing the destruction caused by atom bomb के विनाश को देखने के बाद, आइंस्टीन started an agitation against the arm race. आइंस्टीन ने शस्त्रों के विरुद्ध एक आंदोलन को शुरू किया था। ही स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसने लोकतंत्र और पीस शांति के लिए एक योजना, इन कैंपेन यानी कि अब योजना चलाई थी, शुरू की थी। ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसने विश्वव्यापी सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दिया था। सो ही इज राइटली कॉल्ड द वर्ल्ड सिटीजन, इसलिए उसे निश्चित रूप से, सही रूप से वर्ल्ड सिटीजन यानी कि एक विश्व नागरिक के रूप में कहा जा सकता है या पुकारा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखें। What kind of a woman did the doctor decide to marry and why? किस प्रकार की औरत से डॉक्टर शादी करना चाहता था और क्यों? The doctor decided to marry a wealthy woman doctor with a good medical practice. डॉक्टर एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जिसको, जो कि बहुत ही धनी हो, धनी डॉक्टर हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती हो। ही आल्सो वांटेड हर टू बी फैट, वह चाहता था कि वह मोटी भी हो, सो दैट, ताकि इन केस ही मेड सम स्टूपिड मिस्टेक, कि अगर कोई वह गलती कर दे तो ही कुड रन अवे विदाउट बीइंग चेस्ड एंड कॉट बाई हर, जिससे वह आसानी से बगैर पीछा किए और बगैर पकड़े भाग सके। How did Abdul Kalam earn his first wages? यानी कि अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कब, कैसे पाई या अर्जित की? अब्दुल कलाम earned his first wages by catching the newspaper bundles. अब्दुल कलाम ने अखबारों की गठरी को उठा करके अपनी पहली मजदूरी पाई। That had to be thrown out of the moving train between Rameswaram and Dhanuskodi, जो कि धनुषकोड़ी और कोड़ी भी कह सकते हैं, रामेश्वरम के बीच में चलने वाली ट्रेन से या चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया जाता था। And it was because, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि the halt of the train, ट्रेन का ठहराव at रामेश्वरम में ट्रेन का ठहराव वाज सस्पेंडेड, निरस्त कर दिया गया था। When did संतोष गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रथम अवसर संतोष ने कब पाया? संतोष गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल विथ माउंट एवरेस्ट इन 1992,
जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड ज्वाइंड द उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के पर्वतरोहण के नेहरू संस्थान में जोड़ने के बाद यानी ज्वाइनिंग लेने के बाद जस्ट 4 years केवल 4 वर्ष बाद ही संतोष ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अवसर पा लिया था। सी वाज हार्डली 20 years, वह मात्र 20 वर्ष की ही थी एट दैट टाइम, उस समय व्हेन सी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक, इस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए विश्व में सबसे छोटी लड़की या औरत बन गई थी। हाउ डिड संतोष प्रूव हरसेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग एक्सपीडिशन, अपने अभियानों के दौरान संतोष ने अपने आप को बार बार कैसे सिद्ध किया। संतोष डेवलप्ड क्वालिटीज लाइक रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, संतोष ने सर्दी और ऊंचाई के प्रति उल्लेखनीय सहन शक्ति के गुण को विकसित किया। इसके अतिरिक्त मोरोवर सी पजेस्ड आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उसके पास यानी संतोष के पास दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक सहनशीलता और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता भी थी। इस प्रकार से दस शोइंग दीज क्वालिटी इन गुणों को दिखा करके सी प्रूव हर सेव रिपीटेडली, उसने बार बार अपने आप को सिद्ध किया है या करवाया है। व्हाट आर मारिया इंटरेस्ट एंड हॉबीज, मारिया का रुचि तथा हॉबी क्या थी? तो लाइक एनी टीनेगर, अन्य किशोरियों की भांति ही मारिया लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। मारिया ने फैशन को, गायन को और नृत्य को अपनी हॉबी के रूप में विकसित किया। सी लव्स रीडिंग नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डायल के उपन्यासों को पढ़ना पसंद करती थी। सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, वह शाम को इवनिंग गाउन्स यानी उन्नत इवनिंग गाउन्स को पहनना उसे शौक था, उसके पहनने का शौक था। सी लव्स पैनकेक्स विथ चॉकलेट्स स्प्रेड, यानी कि मालपुए पर चॉकलेट फैला करके खाने का उसे शौक था। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स और बुदबुदेदार ऑरेंज यानी संतरे के जूस को भी वह पसंद करती थी।